तो भाई यार यहाँ पर आपको पता है यार मेरे पास यार RTX 3060 यहाँ पर आ चुका है। और भाई आपको मैं बता दूं कि भाई ये मैंने नहीं, मेरे चाचा ने यहाँ पर परचेस किया है। तो ये जो कार्ड है भाई अभी मेरे PC में नहीं है, लेकिन जो भी चीजें हैं और जो भी वीडियोस वगैरह हैं तो वो भाई मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तो भाई आपको पता है यार मैंने यहाँ पर डिलीवरी बॉय की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो यहाँ पर डाल दी। तो भाई आई होप आप लोगों ने भाई वो वीडियो देख ली होगी सभी लोगों ने। तो भाई यहाँ पर आज की वीडियो में अपने हाथों से की गई अनबॉक्सिंग की वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, और ये जो वीडियो वो होगी भाई डिटेल में एकदम, और जो भी चीजें हैं बहुत ही डिटेल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसा कंडीशन में कार्ड है कैसा नहीं। आपको रात में तो समझ में नहीं आई होगी क्योंकि काफी लेट हो गया था। और मैं यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में गेम के बेंचमार्क्स भी यहाँ पर लगा दूंगा कुछ, बाकी सारे गेम्स की टेस्टिंग आएगी बहुत ही जल्दी आएगी, तो भाई रेडी रहना उसके लिए भी। तो चलो फटाफट से आप लोग अनबॉक्सिंग देखो, और भाई आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो तो भाई कमेंट में जरूर से बता देना, क्योंकि भाई आप लोग कमेंट और लाइक करते तो भाई काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती है, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई। तो भाई जाओ फटाफट से वीडियो देखो और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई बॉक्स कुछ आपको इस टाइप से देखने को मिल जाता है। सामने के साइड से देखोगे बहुत ही सादा सिंपल और बढ़िया सा यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने मिलता है। सामने के साइड से अगर बात करें जोटेक गेमिंग ट्विन एज और कुछ भाई यहाँ पर डिटेल्स वगैरह आपको देखने मिल जाती है। थोड़ी नीचे देखोगे तो भाई GeForce RTX 3060 बाकी 12 GB वाला ये ग्राफिक्स कार्ड है, DDR6 iSystem 2.0 रे ट्रेसिंग DLSS आपको दोनों देखने को मिल जाता है इस कार्ड पे। ऊपर पे आप देखोगे तो भाई इस टाइप से आपको डिजाइन देखने मिलती है, जोटेक गेमिंग लिखा हुआ मिल जाता है। और भाई अगर नीचे के साइड में बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको कुछ डिटेल्स वगैरह देखने मिल जाती है, और बैक साइड में देख सकते हो आप लोग, उसको आराम से पॉज करके देख लो, उसकी स्पेसिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। बाकी भाई अभी एक काम करते हैं भाई, ग्राफिक्स कार्ड को ओपन करते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको पता है ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो जो डिलीवरी बॉय था उसने यहाँ पर खोल दिया था। बाकी यहाँ पर मैं आपको डिटेल में दिखा रहा हूँ, तो दोबारा से जैसी पैकेजिंग थी वैसी मैंने यहाँ पर कर दी, अंदर का कुछ यहाँ पर छेड़ाछाड़ी नहीं हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो भाई यहाँ पर कुछ आपको बुक्स वगैरह और कार्ड्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, स्टिकर्स वगैरह सभी कुछ इसी में रखा हुआ है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो आप लोग वारंटी एक्सटेंड करने के लिए कार्ड है, और भी चीज़ें आपको भाई इस कार्ड में अंदर देखने को मिल जाएंगी जो भी भाई जोटेक की तरफ से यहाँ पर है। और भाई यहाँ पर दो बड़े बड़े स्टिकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं मस्त वाले, और भाई यहाँ पर देख सकते हो यूज़र मैनुअल कह सकते हो आप उसे, भाई बहुत ही बड़ी यूज़र मैनुअल है, बाकी देख लो भाई आराम से पढ़ लो इसको, ठीक है। एक और यहाँ पर कार्ड देखने मिल जाता है। अभी भाई निकालते हैं हम अपने ग्राफिक्स कार्ड को, तो भाई मेन चीज़ आ जाती है, और पहले मैं आप लोगों को इसके नीचे दिखा देता हूँ भाई, और कुछ भी देखने नहीं मिलता है आपको। और चलो इसको साइड में रखते हैं और अभी अपने मेन ग्राफिक्स कार्ड पे आते हैं। भाई जैसे ही इसको निकालते हैं तो भाई काफ़ी भाई प्रीमियम से फील आती है भाई इसको पकड़ने में, बहुत ही मस्त ग्राफिक्स कार्ड है। सामने के साइड में आप देख सकते हो किस टाइप से आपको भाई डिज़ाइन वगैरह देखने मिलती है, काफ़ी डिफरेंट है बाकी जो पहले आते थे। ऊपर के साइड में देखोगे जोटेक गेमिंग और यहाँ पर कनेक्टर वगैरह और GeForce RTX लिखा हुआ मिल जाता है। और भाई अभी अगर फैंस की बात कर ली जाए तो भाई यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े बड़े फैंस देखने मिल जाते हैं, 88 mm के दो फैंस देखने को मिलेंगे, जो कि भाई आपके कार्ड को यहाँ पर कूल रखने के लिए सफिशियंट है। अभी इसके पोर्ट्स की बात कर ली जाए तो भाई आपको इसमें 3 DP पोर्ट और एक HDMI पोर्ट देखने मिलता है। भाई 2 DP और 2 HDMI तो काफ़ी अच्छी बात होती। बाकी भाई यहाँ पर देख सकते हो आप लोग भाई आपको पावर देने के लिए भाई 8 पिन का पावर कनेक्टर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर डिज़ाइन की बात की जाए तो भाई सामने से कुछ ऐसी डिज़ाइन देखने मिलती है जहाँ पर जोटेक गेमिंग और GeForce RTX लिखा हुआ मिल जाता है। बैक प्लेट पे देखें तो भाई यहाँ पर भी आपको GeForce RTX और लिव टू गेम यहाँ पर, और ये जो प्लेट है वो भाई पूरी की पूरी मेटल की प्लेट। तो भाई भी नीचे के साइड में देखो तो भाई आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाकी भाई अगर इसके फैंस की बात की जाए, एक पे आपको भाई जोटेक का लोगो देखने मिलता है, एक पे भाई आपको जोटेक लिखा हुआ देखने मिल जाता है। तो भाई यहाँ पर था भाई इस कार्ड की अनबॉक्सिंग। बाकी एक काम करो आप लोगों को भाई अभी अनबॉक्सिंग तो देख ली है, बाकी बेंचमार्क्स दिखा देता हूँ। तो भाई आप लोग फटाफट से गेम्स के बेंचमार्क देख लो।
कार्ड जो है भाई मुझे पड़ा है भाई फ्लिपकार्ट पे, मैंने इसको बाय किया था जब इसकी बिग बिलियन डेज चल रही थी, तो ये मुझे पड़ा था भाई 19,999 रुपए, और यहाँ पर डिस्काउंट मिला था मुझे भाई HDFC के डेबिट कार्ड पे, तो भाई मुझे जो डिस्काउंट मिला वो मिला था भाई कुछ 1,500-2,000 के करीब। तो भाई जो ये कार्ड है वो मुझे पड़ा था भाई 18,798 रुपीस। तो भाई यहाँ पर यार आप लोगों ने देखा, मैंने सभी कुछ आप लोगों को डिटेल में बता दिया, ग्राफिक्स कार्ड दिखा दिया है, क्या क्या आपको बॉक्स के अंदर में देखने को मिलता है, कैसी आपको भाई यहाँ पर चीजें देखने मिलती हैं, क्या क्या पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं, सभी कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो भाई चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।